वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु रूप गुरु प्यारी साध संगत जी, हुणे बसंत रुत चल रही है ते रागी सिंह कीर्तन विच बसंत दी वार पढ़दे ने। तन तन श्री गुरु अर्जन साहिब जी दी कृपा सदका अज असी इस पावन बाणी दे विचार नाल सांझ पाईए जी। बसंत रुत दा पाप स्प्रिंग सीजन सर्दियां तो बाद आउंदा है। सब कुछ पेड़ पौधे ते फुल सब कुछ खिड़ जाता है। हाँ माया दूरों चल के मैं तकी तो शरण आई जियो, मैं आसा रखी चित में मेरा सब दुख गवाए जियो। सो कहो तल गुरु सहज सुभाए, दर्शन पर से गुरु के नैन मरण दुख जाए। वो वैसे सुख समझी मुरे अरसों कुरसों चटिया, तुद दिखे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म की कटी है। बसंत की वार महल पंजवा हर का नाम त्याए के हो हरिया पाई, करम लिखन तै पाई है ए रुत सोहाई। वन त्रिण त्रिप वन मोलिया अमृत फल पाई, मेरे साधु सुखूप जन लच्छी सब छाई। नानक सिमरै एक नाम बोड़ न ताई। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु रूप गुरु प्यारी साध संगत जी, ऐ पावन बाणी तन तन श्री गुरु अर्जन साहिब जी दी उचारण कीती हुई बाणी है। ऐ तन तन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पावन अंग 119 ते सुशोभित है शोभित है। इस पावन बाणी दे नाल रिलेटेड इक साखी भी है। जदों तन तन श्री गुरु अर्जन साहिब जी महाराज गुरदास जी वालों बसंत की वार लिखा रहे सन, अजे सिर्फ 3 पौड़ियाँ ही हुई सन, तो पिछों तो लांगरी सिंह आके कहिंदा तन तन श्री गुरु अर्जन साहिब जी महाराज लंगर तैयार है आके छक लो। तन तन श्री गुरु अर्जन साहिब जी महाराज जी ने लंगर अंधे पिता जी रिस्पैक्ट करते हुए लंगर छकिया। उसके बाद सिर्फ बसंत की वार विच सिर्फ 3 पौड़ियाँ ही रहन दित्तियां। इस तो सानू भी मैसेज मिलता है कि जदों भी साडा लंगर तैयार होवे सानू छक लैना चाहिए है, उसनू वेस्ट नहीं करना चाहिए। हर का नाम त्याए के हो हरिया पाई, पाप पाप अंतन श्री गुरु अर्जन साहिब जी फरमाते हैं हे भाई उस अकाल पुरख परमात्मा का नाम त्याग के खुश हो जा, खिड़ जा। बसंत रुत विच फुल ते पेड़ खिड़ पैंदे ने, करम लखन तै पाई है ए रुत सुहाई। पाप तन तन श्री गुरु अर्जन साहिब जी फरमाते हैं ये पाई है जिहड़ा तैनूं मनुखा जीवन मिलिया है ना, यह बहुत कीमती है। इसनूं तू मन के समझ के तेरी बसंत रुत है, हुण तू इसनूं वेस्ट ना कर, इसनूं यूज कर, क्योंकि वही प्राप्त मानु देवरिया गोबिंद मिलन की ऐसी दूरिया। सारे जप वही प्राप्त मानु प्राप्त मानुक देवरिया, भई प्राप्त मानुक देवरिया, गोबिंद मिलन की ए तेरी बरिया, गोबिंद मिलन की ए तेरी बरिया, गोबिंद मिलन की ए तेरी बरिया। वाहिगुरु वन त्रिण त्रिपवन मोलिया अमृत फल पाई। वन मरना मतलब जंगल, त्रिण का मतलब वनस्पति,
ਤੇ ਦਰਪਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਗਤ। ਭਾਵ ਜਦੋਂ ਬਰਸਾਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਾ ਜੰਗਲ, ਸਾਰੀ ਬਨਸਪਤੀ, ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਖਿੜ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਰੂਮ ਰੂਮ ਖਿੜ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਉਸ ਅਕਾਲ ਬ੍ਰਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੂਪੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਸਾਧੂ ਸੁਖ ਉਪਜੈ ਲੱਖੀ ਸਭ ਛਾਈ। ਛਾਈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮਹਿਲ, ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਜਿਸਨੇ ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲਿਆ ਹੈ ਉਸਦੇ ਅੰਦਰ ਆਤਮਕ ਸੁੱਖ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਤਮਕ ਸੁੱਖ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸਦੀ ਮਨ ਦੀ ਮੈਲ ਉਤਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਸਿਮਰੈ ਏਕ ਨਾਮ ਫਿਰ ਬੋੜ ਨਤਾਈ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੀ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਵੀ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਮੁੜ ਕੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਭਟਕਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।